Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now. Actually, ये जो काउंटर है इसको हमने सिलेक्ट किया है चाय स्टेशन. हाय एवरीवन, आज मैं करने जा रही हूँ अपने किचन का मेकओवर. सो इससे पहले हमने किचन की डीप क्लीनिंग कर ली है एंड बहुत सारे DIYs भी मैंने बना के रखे हैं. एंड चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं. सो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखा दिया है अपने किचन का बिफोर वीडियो और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मेकओवर. सबसे पहले तो हम कुछ कुछ जगहों को हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग स्टिकर लगाते हैं किचन में, लेकिन स्टिकर की जगह हम लगाने जा रहे हैं वॉलपेपर. इस वॉलपेपर को मैंने कहीं से खरीदा नहीं है. एक्चुअली एक वॉलपेपर का कैटलॉग मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो उसी में से कुछ कुछ डिजाइन जो मुझे अच्छी लग रही थी मैंने निकाल लिया. फ्रंट साइड में हमने इस तरह से दो वॉलपेपर लगा दिया है. अब हम किचन के कॉर्नर में एक वॉलपेपर लगा देते हैं. फेविकोल को हमने थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लिया था, तो उसी से हमने इस पेपर को लगा दिया है. अब हम डालेंगे विंडो साइड कर्टेन. सो ये जो कर्टेन है हमारा पुराना है, जिसे हमने शॉर्ट करके स्टिच कर दिया है. एक्चुअली ये जो काउंटर है इसको हमने सिलेक्ट किया है चाय स्टेशन के लिए, तो थीम को देखते हुए हम इस वॉलपेपर को यहाँ पे लगाने जा रहे हैं. अब हम कवर करेंगे फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन को. मैंने अपने किचन के लिए वेस्ट कढ़ाई से वॉल क्लॉक बनाया था, तो इसका भी वीडियो शॉर्ट पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा. ये थोड़ा सा सिंपल थी, तो मैंने सोचा कि और कुछ इसमें ऐड करके इसे अट्रैक्टिव बना देते हैं. इस तरह से हमने एक टेसल्स बना लिया है. अब इसे लगा देते हैं हैंडल साइड, और इसी के साथ ये नेट को भी हम ट्विस्ट करके इसमें लगा देते हैं. और ये देखिए लगने के बाद कितना अच्छा लगने लगा. अब इसके बैक साइड हम लगा देंगे ग्लू, और ये डिजाइनर प्लेट को इसमें लगा देंगे. अब लगाएंगे हम वॉल क्लॉक. आई थिंक 2-3 kg वेट ये हैंग कर सकता है, तो यहाँ पे इसे लगा देते हैं. इस हुक को हमने अमेजन से मंगवाया था. अब आ जाते हैं सिंक एरिया साइड. तो ये जो पिलर आप देख रहे हैं इस पे हम लगाने जा रहे हैं वॉलपेपर. अब आ जाते हैं इस काउंटर पे, तो यहाँ पे हैंग कर देते हैं ये चाय स्टेशन. चिमनी के ऊपर साइड पे हमने ये लगा दिया है किचन. अब रख देते हैं ये DIY कप. अब आ जाते हैं क्रॉकरी कैबिनेट के साइड, तो इसे हम हैंग कर देते हैं. ये मेरा DIY किचन टॉवेल है, तो इसे हम सिंक के साइड वाले एरिया में हैंग कर देते हैं. ये देखने में भी बड़ा क्यूट लगता है एंड ईजली आप इसे वाइप भी कर सकते हैं. और जब इसे वॉश करना हो तो हैंगर से निकाल लें. वॉश करने के बाद आप वापस इसे हैंगर में इस तरह से करके हैंग कर दें. ये कॉर्नर पे हमने स्टील का रैक लगाया है और इसी के ऊपर हमने रखा है सिलबट्टा. ये मेरा है DIY बैम्बू प्लांटर. वॉल पुट्टी की हेल्प से हमने इसमें आर्टिफिशियल मनी प्लांट लगा दिए हैं, और इसे हैंग कर देंगे हम फ्रिज के कॉर्नर पे. ये कुकिंग स्पून से हमने बनाया है किचन टॉवेल हैंगर, तो इसे हम यहाँ लगा देते हैं. किचन में एक दो टॉवेल रहनी चाहिए हर एक जगह पे, तो इस तरह से हमने एक टॉवेल यहाँ पे भी लगा दिया है. ये मैंने केक बेस प्लेट से बनाया था क्लच, और इसमें हम रख देते हैं माइक्रोवेव, ओवन, ग्लव, ये कॉटन पैड, इसे रख देते हैं इस साइड पे. वेस्ट बॉटल से मैंने बनाया था ये फ्रिज मैग्नेट, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के लाइव प्लांट लगा देंगे, और इसे लगा देंगे हम फ्रिज पे. ये मैंने फैन की कैप से टिश्यू होल्डर बनाया है, इसे रख देते हैं इस कॉर्नर पे. इस कॉर्नर पे मैंने ये रॉड लगवाई है, इसमें हम लगा देते हैं किचन वाइप्स, और इसके साथ साथ इस स्टैंड को भी हैंग कर देते हैं. ये है स्टील का लोटा, एज अ स्टैंड के पर्पस से हम इसको यूज कर रहे हैं. और इस पे मैं रख रही हूँ ये कॉपर डिस्पेंसर. ये था पॉपकॉर्न का बॉक्स, बट इसे मैंने मिनी डस्टबिन बना लिया, और इस तरह से पॉलीथीन लगा के इस कॉर्नर पे रख देते हैं. अब रखेंगे ये सोप डिस्पेंसर, इसे मैंने अमेजन से लिया था. इसके अंदर रखेंगे ये सोप डिस्पेंसर, ब्रश, किचन वाइप्स, और बर्तन को धोने के लिए हम ये वाइट वाला पॉली बैग यूज करते हैं. ये बहुत ही अच्छा होता है यूज एंड थ्रो. ये बेटे की यूजलेस वाटर बॉटल है, तो इसमें हम लगा देंगे ये मनी प्लांट, और रख देंगे इस कॉर्नर पे. टॉल यूनिट पे मैंने रखा था ये फ्रूट्स एंड एग, इसे रख देते हैं फ्रिज के ऊपर. और यहाँ पे अब हम रख देंगे ये DIY YouTube लोगो, इसके साथ ये दो क्यूट से पॉट. चलिए अब हम अपने चाय स्टेशन वाले काउंटर को कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टी पैन, स्ट्रेनर और ये मग को हैंग कर देंगे.
अब एक एक करके टी से रिलेटेड सारी चीज़ें कंटेनर में डाल देंगे। ये DIY कंटेनर है, सो इस पे मैं लिख रही हूँ परमानेंट मार्कर से जैगरी कॉफ़ी एंड बिस्किट्स, साथ ही साथ कॉफ़ी पाउच, बिस्किट्स एंड जैगरी को रख देते हैं। एंड ये स्मॉल जार में रख रहे हैं खट्टी मीठी गोली और कैंडीज, क्योंकि कभी कभार मन करता है खाने का। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस शेल्फ को रख देते हैं। अब सारे जार को ऑर्गेनाइज करके रखते जाएंगे, जैसे कि ग्रीन टी, स्टीविया, कैंडीज, ये शुगर एंड नॉर्मल टी। इसके मिडिल वाले शेल्फ पे रख देते हैं सारे कप्स एंड सॉसर। एंड लास्ट वाली शेल्फ में रख रहे हैं ये कॉफी मग, लेमन टी, ग्रीन टी के लिए रख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट वाले कप, ये इलायची और सॉल्ट है, इसे रख देते हैं ऊपर साइड। अब इस शेल्फ की साइड में रख देंगे ये ट्रे, इसके ऊपर रख देंगे जैगरी, बिस्किट्स, कॉफी और ये कश्मीरी कहवा, और इसी के साथ रख देंगे ये सेरेमिक की केतली, कूटनी, ये DIY टोकरी है, इसमें मैंने रखा है जिंजर, लेमन। एंड इसके साथ मैंने ग्लास में रखा है मैजिक बॉल्स, इसमें लगाया है मैंने लाइव प्लांट और ये स्पून। चलिए अब इस काउंटर को थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है ये छोटी सी कॉट और इस पे रख रहे हैं ये सॉसर कप। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे गिफ्ट रैपिंग पेपर से बना रही हूँ रिबन। सो इस तरह से मैंने रिबन बना लिया है, अब इसे लगा देते हैं हैंडल पे और रख देते हैं चाय स्टेशन के काउंटर पे। इलेक्ट्रिक केटल का हम यूज़ नहीं करते हैं, सो यहाँ पे हम रख रहे हैं इंडक्शन। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हस्बैंड चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, सो यहाँ पे मैंने लिया है ये स्लिप और इसमें मैं लिख रही हूँ चाय के दीवाने, और इस स्लिप को रख देंगे इस मग में। ये DIY है, शॉर्ट वीडियो पड़ा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसे रख देते हैं हम इंडक्शन के पास। अब इस काउंटर के कॉर्नर पे रख देते हैं ये DIY राउंड टेबल एंड ये प्लांटर। ये स्नैक्स का शेल्फ है, इसके नीचे लगा रहे हैं हुक और इसमें हैंग कर देते हैं टोकरी, क्योंकि आजकल विंटर सीजन चल रहा है और मूंगफली खाने का दिल करता रहता है बार बार, तो थोड़ा सा हमने इसमें मूंगफली रख दिया है ताकि जब मन करे तो खा लो। चाय स्टेशन हमारा डेकोरेट हो चुका है, अब हम आ गए हैं किचन काउंटर साइड। तो यहाँ पे हमने ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल डाल दिया है। ये वुडन ट्रे को हम रख रहे हैं गैस चूल्हे के साइड में और इस पे रखेंगे ऑयल डिस्पेंसर, घी, अचार, स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये लाइव प्लांट। इस काउंटर के कॉर्नर पे हमने ये वुडन रैक लगवाई है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं ये ठेला और इसके ऊपर रख देते हैं ये रेडियो स्टेशन। अगेन यहाँ पे मैं रख रही हूँ लाइव प्लांट। एंड शेल्फ के जस्ट नीचे हम रख देते हैं इस मिक्सर को। ये मेरा DIY ऑर्गेनाइजर है, तो इसमें हम रख देते हैं ये कांच के बॉटल और इसके साथ सारे स्पून्स। ये तवा बेलन स्टैंड को रख देते हैं साइड पे और इसमें सारे लगा देते हैं किक करके तवा, हुलसा, बेलन, चिमटा। बची ये वाली स्पेस, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं इस ऑर्गेनाइजर को। इसमें मैंने रखा है रायते से रिलेटेड मसाला, जैसे कि पुदीना, काला नमक और जीरा। अब इसके साइड में हम रख देते हैं ये बैम्बू प्लांट। ये मेरा DIY एरोमा कैंडल है, तो कुकिंग करने के बाद हम इस कैंडल को जला देते हैं, जिससे कि कोई भी तरीके की स्मेल हो तो वो चली जाए। अब इस रॉड पे लगा देते हैं ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट। देखो, प्लांट्स लगाने से ऑक्सीजन तो मिलता ही है, उसके साथ साथ एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, प्लस ग्रीनरीज देखने से एक घर की अलग ही रौनक नजर आती है। तो इस तरह से हम जगह जगह पे प्लांट्स को लगा के रखते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो। अब डालने जा रहे हैं ये किचन फ्लोर मैट। एंड लास्ट हम लगाने जा रहे हैं चाय स्टेशन काउंटर पे ये फेरी लाइट। और मेरे बेटे का कहना है, माँ के हाथ का खाना माँ के हाथों से खाना। होप सो आप सभी लोगों को मेरे किचन का मेकओवर वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ।
सो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. Turn it to an ocean, let me flutter.